हम इस पिक्चर को हम कमिटेड हैं पीएजी चैम्बर की तरफ से, इसको हरियाणा के कई भागों में हम लेके जाएंगे। और पिक्चर टाइम जिस तरीके से सुशील जी ने बताया, मेरा उनसे जुड़ाव करीब 3-3.5 साल का है और मैं समझता हूँ कि वो इसमें काफ़ी इनोवेशन लेकर के आ रहे हैं, नई नई चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। और देश के एक आम नागरिक को कैसे फिल्मों के द्वारा जोड़ा जाए, दूर दराज गाँव में कैसे हम इस माध्यम को पहुंचाएं, मैं समझता हूं सुशील जी पिक्चर टाइम के द्वारा बहुत अच्छा एक काम कर रहे हैं। और पीएचडी चैम्बर की तरफ से जो भी हमारी तरफ से मदद होगी, जैसा कि आपको हमारे लीडरशिप ने भी बताया, वी विल बी ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट और हम इसको मीडिया एंटरटेनमेंट कमेटी की तरफ से हम हर जगह लेकर के जाएंगे। और पिक्चर के अंदर जो ये मूवी है जो आज हमने देखी, इसमें मैसेज एक बहुत अच्छा है, और सिंस आई एम बीइंग अ फादर ऑफ अ डॉटर, तो ये बहुत ही अच्छा एक मैसेज मैं समझता हूँ उन यंग लड़कियों के लिए है कि जो अपने क्षेत्र में कुछ करना चाहती हैं, जो कुछ बनना चाहती हैं, जो एस्पायर करती हैं। और इसमें मैं आपको सर एक ही चीज़ कहूँगा जो मैंने कई वर्षों पहले सीखी थी, इंस्पायर्ड पीपल मेक्स इंस्पायर्ड कंपनी और इंस्पायर्ड कंपनी मेक्स इंस्पायर्ड कंट्री। तो जब तक हम खुद इंस्पायर नहीं होंगे, जब तक हमारे देश की बेटियाँ, हमारी बहनें, हमारी माताएँ इंस्पायर नहीं होंगी, तो देश आगे तरक्की नहीं कर सकता। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस देश की महिलाएं इंस्पायर होंगी, उस देश को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि देश की महिलाएं इंस्पायर्ड नहीं है, और तभी हम इसको सबका विश्वास लेकर के जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी अच्छी उन्होंने पिक्चर बनाई है, मैं समझता हूँ कि ये प्रधानमंत्री का जो एक पूरा एक जो वो था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ, इसको हम देश के दूसरे दूर दराज इलाकों में लेके जा सकते हैं, और आई एम श्योर कि हमारे देश की महिलाएँ इससे बहुत इंस्पायर्ड होंगी। मैं समझता हूँ कि पिक्चर टाइम का जो ये माध्यम है, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण माध्यम है और मोबाइल माध्यम है जिसको कि हम कई जगह लेकर के जा सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इट्स ए फुली एयर कंडीशनड हॉल और इसमें सारी वही व्यवस्थाएं और वही उसी तरह की फैसिलिटीज़ हैं जो कि आप एक नॉर्मल थिएटर में पिक्चर को देखते हैं, तो उस तरह का जो आपको एक्सपीरियंस जो एक नॉर्मल थिएटर में होता है, उसी तरह का एक्सपीरियंस आपको आज यहाँ जो है देखने को मिला। मैं समझता हूँ सर ये अपने आप में बहुत अच्छा एक मोबाइल मीडियम है, और चूँकि हमारे देश में स्क्रीन्स की कमी है, तो पिक्चर टाइम जो है इसको देश के दूर दराज एरियाज़ में ले जा कर के फिल्मों को प्रमोट किया जा सकता है।